बच्चों के लिए आज की कहानी बाघ की चालाकी। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था। इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था। वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना यह सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता, इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वह चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता। परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है। परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नजर एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेज तर्रार कानों की बदौलत बाघ यह बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है, तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।